चंद्रपुर की और आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने अब आ गया है केसा। केसा यूनिसेक्स सैलून, आपका पर्सनल स्टाइलिस्ट। लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए सर्वोत्कृष्ट मेडिकल और हर्बल स्किन और हेयर ट्रीटमेंट, वो भी एकदम किफायती दाम में। खूबसूरत इंटीरियर और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। केसा यूनिसेक्स सैलून, झांझरी कॉम्प्लेक्स, होटल रसराज के सामने, सपना टॉकेज रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 8799-02232। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर में शिवसेना में आपस में कलह इस हद तक पहुंच गई है कि अब शिवसेना के ही नेता युवा सेना के पदाधिकारियों पर खूनी हमला कर रहे हैं और इन पर किसी की पाबंदी नहीं है। मंगलवार 11 जनवरी की देर रात ऊर्जा नगर ग्राम पंचायत के नेरी वार्ड परिसर में दो गुटों में संघर्ष हुआ। सूत्रों के अनुसार इस दौरान पूर्व सरपंच और शिवसेना से विधायक का चुनाव लड़ चुके बबलू कटरे समेत चार आरोपियों द्वारा चंद्रपुर युवा सेना उपाध्यक्ष सुमित अग्रवाल की गर्दन पर और कथित तलवार से हमला किया गया। ऐसा वाकया सामने आया है। इस मामले में सुमित मामूली रूप से घायल हुआ है, उसे सरकारी अस्पताल में तत्काल उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वहीं दुर्गापुर की पुलिस ने इस प्रकरण में आरोपी बबलू कटरे समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें बुधवार 12 जनवरी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां इन्हें एक दिन के पुलिस हिरासत में भेजा गया। गौरतलब है कि एक समय सुमित अग्रवाल बबलू कटरे के लिए ही काम करता था, मगर समय अनुसार सुमित ने अपना नेता और अपना काम बदल लिया, तभी से बबलू और सुमित में खींचतानी चल रही थी। ऐसे ही किसी मामले में मंगलवार रात बबलू कटरे, उसका बेटा नूतन कटरे, भतीजा अतुल कटरे और गुड्डू पारधी सुमित अग्रवाल के घर पर जाकर झगड़ा करने लगे, जिससे दो गुटों के बीच पुरानी रंजिश के चलते संघर्ष हुआ। दोनों गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान आरोपियों में से एक ने शिवसेना युवा उपाध्यक्ष सुमित अग्रवाल के गले पर किसी धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में सुमित घायल हो गया। दुर्गापुर पुलिस ने पूर्व सरपंच और आरोपी बबलू कटरे, गुड्डू पारधी, नूतन कटरे और अतुल कटरे को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों पर आर्म्स एक्ट धारा 324 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इन आरोपियों को बुधवार 12 जनवरी को न्यायालय में पेश करने के बाद इन्हें एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया, क्योंकि सुमित ने पुलिस रिपोर्ट में तलवार की बात कही है, इसलिए एक दिन और आरोपियों का पीसीआर बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। शिवसेना नेताओं द्वारा निरंतर ऐसी वारदातों की वजह से जिले में सत्तारूढ़ पार्टी की छवि खराब हो रही है, ऐसी लोगों में चर्चा है।